नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो एक कमेंट है और कमेंट आया है मुन्ना जी का। ये सीएसएफ में जॉब करते हैं। इनका कहना है कि सर, मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है और कुछ इस तरह से मुझे प्लानिंग बताइए कि 2036 से मुझे 50,000 रुपये महीना वहां से मिल जाए, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो आज की वीडियो में मुन्ना जी के कमेंट पर ही बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट हमें किस तरह से करनी चाहिए जो 2036 से मुझे 50,000 रुपये महीना की आमदनी म्यूचुअल फंड से होने लगे। दोस्तों, आप सभी लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखेगा क्योंकि यहाँ एक एक चीज में आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। और दोस्तों, आपके मन में भी कोई इसी तरह का सवाल हो, कोई कन्फ्यूजन इस तरह का चल रहा हो कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है, कैसे अपनी प्लानिंग करनी है, बिल्कुल आप लोग भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। रिप्लाई आप लोगों को भी मैं जरूर करूंगा और वीडियो के माध्यम से करूंगा। दोस्तों, मेरा एक और चैनल है लोगो, आप देख सकते हैं। इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको सर्च करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ वीडियोस में इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई इस चैनल पर भी अपलोड करता रहता हूं, तो आप लोग इसे भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के टॉपिक पर। देखिए, प्लानिंग यहाँ हमें कुछ इस तरह से करनी है कि 2036 से हमें 50,000 रुपये महीना मिले। अभी 2024 है, यानी कि अगले 12 साल तक हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है SIP के थ्रू। तो कितने रुपए महीना की जो हमारी प्लानिंग है वो यहाँ पर सही रहने वाली है ताकि आगे चलकर हम अपनी जो पेंशन है वो इजीली यहाँ से ले पाए। चलिए देखिए, यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन जरूर करेंगे, काफी सारे फंड हमें यहाँ पर लेने होंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पैसे को ज्यादा इन्वेस्ट कर देने से हमें रिटर्न अच्छे मिल जाएंगे। देखिए, मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलता भी हूँ कि ज्यादा रिटर्न लेना मेरे हिसाब से बड़ी बात नहीं है, अच्छे रिटर्न्स लेना मेरे हिसाब से बड़ी बात है। ज्यादा रिटर्न्स ज्यादा जोखिम, इसलिए कोशिश करें पोर्टफोलियो को बैलेंस करें। कुछ फंड्स में आप ऐसे भी खरीदें जिसमें वाकई ज्यादा रिस्क हो, लेकिन कुछ फंड्स ऐसे भी जरूर उसमें इन्वेस्ट करें। आप ऐसे जरूर अपने पोर्टफोलियो में रखें जहां भले ही रिटर्न कम हो लेकिन रिस्क आपका कम रहे। इसीलिए पोर्टफोलियो को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, इसका मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, स्मॉल कैप को यहां सबसे पहले मैं यहां पर रखूंगा। स्मॉल कैप, कितना इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप में सही रहेगा? देखिए, अगले 12 साल की प्लानिंग है, स्मॉल कैप को रखा जा सकता है। अगर ये ड्यूरेशन 10 साल से कम होती, 8 साल के आसपास की होती, तो बिल्कुल मैं भी स्मॉल कैप का जो पोर्शन है वो बहुत कम रखता। लेकिन अभी 10 साल से ऊपर का टाइम है तो स्मॉल कैप को रखा जा सकता है, बहुत ज्यादा नहीं रखना है। लेकिन आप लगभग 25-30% तो जो अपनी इन्वेस्टमेंट है उसका स्मॉल कैप में रख सकते हैं। तो स्मॉल कैप को यहां मैं रखूंगा 4,000 रुपए महीना, 4,000 रुपीज पर मंथ, इतना स्मॉल कैप को आप रख सकते हैं। प्लान कौन से बढ़िया रहेंगे, फंड कौन से बढ़िया रहेंगे स्मॉल कैप में? देखिए, आप निपॉन इंडिया स्मॉल कैप को रख सकते हैं, आप SBI स्मॉल कैप को ले सकते हैं। यहां पर आजकल क्वांट स्मॉल कैप की परफॉर्मेंस भी ठीक है। देखिए, कभी कभी परफॉर्मेंस अप डाउन होती रहती है, उससे घबराना नहीं है क्योंकि बात हम लॉन्ग ड्यूरेशन की कर रहे हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन में कई बार परफॉर्मेंस जो फंड्स की है वो उतनी निकल कर नहीं आती, लेकिन जब आपका गोल लंबा होगा तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलने की जो पॉसिबिलिटीज है वो बहुत ज्यादा यहां से बढ़ जाएगी। तो स्मॉल कैप में आप दो फंड्स ले सकते हैं जिसमें कि आप 2,000 रुपए की SIP कर पाएंगे। आप निपॉन को यहां पर रख सकते हैं, निपॉन इंडिया को। सेकंड ऑप्शन में आप यहां पर SBI को भी रख सकते हैं। अगली तरफ मैं चलूंगा थोड़ा सा आगे, और कौन से फंड हमें लेने चाहिए। आप यहां पर निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को जरूर कंसिडर करें। कुछ लोग इसे छोड़ देते हैं, कहते हैं कि सर यहां रिटर्न्स बहुत कम है। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, अब निफ्टी 50 इंडेक्स फंड होते क्या है? देखिए, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में हमारे पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं तो बहुत ज्यादा ग्रोथ उन कंपनियों की नहीं होती, रिटर्न्स इसलिए हमें थोड़े से कम देखने को मिलते हैं। लेकिन एक चीज और समझिए आप, जब बात इंडिया की टॉप 50 कंपनीज की आ जाएगी तो वहां जोखिम भी तो घट जाएगा। इसीलिए पोर्टफोलियो को जब हम बैलेंस करते हैं तो कुछ ऐसे फंड्स जैसे मैंने बताया था आपको रखने बहुत जरूरी हैं, ताकि जो हमारा पोर्टफोलियो का ओवरऑल रिटर्न है वो हमें थोड़ा सा ठीक ठाक मिले। कभी भी पैसा विड्रॉल करना पड़ सकता है, ऐसा ना हो कि हमने सारा पैसा स्मॉल कैप में लगाया हुआ है, वहीं थोड़ा सा स्मॉल कैप डाउन चल रहा है तो हमारा पूरा पैसा ही, जो पूरा एक ओवरऑल हमें रिटर्न मिलने चाहिए थे, वो सभी डाउन चल रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें एक ओवरऑल रिटर्न वहां से मिलते रहना चाहिए हमेशा। इसीलिए पोर्टफोलियो को बैलेंस करके हमेशा आप इन्वेस्टमेंट करें। तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को जरूर मैं आपको यहां कहूंगा कंसीडर करने के लिए। इसमें भी आप 4,000 रुपए महीना रख सकते हैं। अब इसमें आप दो फंड्स भी ले सकते हैं, या आप चाहें तो UTI निफ्टी 50 को रख सकते हैं। बढ़िया है, आप यहां पर
बंधन को भी रख सकते हैं, बंधन इसके भी रिटर्न्स काफी बढ़िया हैं। और एक अच्छी बात यहां में एक्सपेंस रेशियो यहां बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि देखिए एक्सपेंस रेशियो चार्जेस होते हैं जो फंड मैनेजर द्वारा लिए जाते हैं हमारे पोर्टफोलियो को मैनेजमेंट करने के लिए, लेकिन यहां पर सीधा पैसा इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में ही जाना है तो फंड मैनेजर के पास बहुत ज्यादा काम नहीं होता हमारे लिए, इसलिए एक्सपेंस रेशियो यहां बहुत कम रहता है, केवल 0.16, 0.2, 0.25 बस इतना ही एक्सपेंस रेशियो यहां देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, स्मॉल कैप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, एक आप यहां पर रख सकते हैं मिड कैप, मिड कैप को आप यहां पर जरूर रखिएगा। अब मिड कैप में जो इन्वेस्टमेंट आप रखेंगे मेरे हिसाब से आप 3,000 रुपये महीना रख सकते हैं, 3,000 रुपये महीना आप मिड कैप का एक ही फंड ले लीजिए, काफी है, दो फंड्स में जाने की मेरे हिसाब से शायद जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब मिड कैप कैटेगरी के ऑप्शंस में आपको दे देता हूं, आप चाहे तो SDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड को रख सकते हैं, बढ़िया फंड है, रिटर्न्स काफी बढ़िया है SDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड के, कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। आप चाहे तो क्वांट मोतीलाल ओसवाल को भी देख सकते हैं, ये भी परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है, क्वांट मिड कैप को भी आप देख सकते हैं, तीन ऑप्शंस बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शंस इसके अलावा भी हैं, उनको भी कंसिडर आप कर सकते हैं, बाकी 12 साल की ड्यूरेशन के हिसाब से आप इन ऑप्शंस को एक बार जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, एक और कैटेगरी हमें यहां लेनी चाहिए, वो कैटेगरी है हमारी फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप में आप यहां पर देखिए पराग पारिक को तो बिल्कुल आप रखिएगा, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 4,000 रुपये महीना आप यहां पर भी रख सकते हैं। देखिए पोर्टफोलियो को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, जैसे कि मैंने आपको बताया, देखिए हमने यहां पर कुछ पोर्शन स्मॉल कैप का भी रखा ताकि हमारे रिटर्न्स अच्छे हो सके, रिस्क थोड़ा सा रहेगा इसलिए पैसा हमने बहुत ज्यादा यहां नहीं रखा है। 4,000 रुपये महीना हमने बिल्कुल सेफ रखने की कोशिश की है, इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया है, 3,000 रुपये महीना हमने मिड कैप कैटेगरी को यहां पर कंसिडर किया है, तो कि क्योंकि क्या होता है कि मिड कैप कैटेगरी में देखिए ज्यादा पैसा हमारा उन कंपनीज में जाएगा जिनकी रैंकिंग 101 से लेकर 250 तक की है, तो मिड कैप से भी हमें अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलते हैं और ये स्मॉल कैप के मुकाबले कम वोलेटाइल होते हैं। उसके अलावा फ्लेक्सी कैप को भी हमने यहाँ पर रखा है, फ्लेक्सी कैप को इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सीबिलिटी है, वो मार्केट कंडीशंस के हिसाब से हमारे पैसे को लार्ज कैप मिड कैप और स्मॉल कैप में अपने हिसाब से जो पैसे का लोकेशन है वो कम या ज्यादा कर सकते हैं, इसलिए फ्लेक्सी कैप को भी यहां रखना बहुत जरूरी है। देखिए यहां मैंने हाइब्रिड फंड्स को ऐड नहीं किया है क्योंकि देखिए ड्यूरेशन हमारी 12-13 साल जा रही है, तो 12-13 साल में इक्विटी के जो फंड्स हैं हमारे इनसे हमें अच्छे रिटर्न्स मिलने के जो चांसेस हैं हमारे वो ज्यादा है अगर आप हाइब्रिड फंड से कंपेयर करेंगे। हाइब्रिड फंड्स में मैं तभी आपको जाने की सलाह दूंगा जब आपकी ड्यूरेशन कम हो, आप 5-7 साल के लिए पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो तब आपको डेट में पैसे को जरूर रखना चाहिए, या फिर आप पेंशन प्लान में जा रहे हो जैसा कि हम अभी इस फंड में आगे बात करेंगे तब आप हाइब्रिड फंड को कंसीडर कर सकते हैं। बाकी यहां आपको पॉसिबिलिटीज हैं पैसा अच्छा बनाने की तो आप इस तरह के स्कीम्स में पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए फ्लेक्सी कैप फंड में एक मैंने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप यहां पर ऐड किया है। सेकेंड ऑप्शन की मैं बात करूं आप SDFC फ्लेक्सी कैप को भी देख सकते हैं या फिर आप क्वांट फ्लेक्सी कैप को भी देख सकते हैं, दोनों फंड्स यहां पर काफी बढ़िया है क्वांट। चलिए अब रिटर्न्स की बात मैं करता हूं। स्मॉल कैप में निपॉन इंडिया SBI आप किसी को भी रख लीजिए यहां 22-23% से ज्यादा ही रिटर्न्स हमें पास्ट में देखने को मिला है। देखिए म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है ये तो आप मानकर चलिए कि गारंटी यहां नहीं है कि जितने पास्ट के रिटर्न्स है वही फ्यूचर के भी रहेंगे, पैसा शेयर मार्केट में जा रहा है इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है, स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट हो रहा है तो रिटर्न्स कम या ज्यादा हो सकते हैं, जिस तरह से आप मार्केट का ग्राफ देखते हैं ऊपर नीचे होता रहता है ठीक उसी तरह रिटर्न्स में भी यहां पर फ्लक्चुएशन जरूर मिलेगा, कोई गारंटी रिटर्न्स की यहां पर नहीं है, बिल्कुल क्लियर शॉट बात है। रिटर्न्स ऐसा भी हो सकता है कि जो हमें पास्ट में मिले हैं उससे ज्यादा मिल जाए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो पास्ट में मिले हैं उससे कम हो जाए, इसीलिए कैलकुलेशन जब भी करें हमेशा रिटर्न्स को थोड़ा घटा कर चलें, बाकी रिटर्न्स ज्यादा मिलेंगे पैसा आप ही को मिलना है उस समय और भी ज्यादा खुशी होगी, फिलहाल के रिटर्न्स थोड़ा कम ही करके चलेंगे। स्मॉल कैप में 22-23% से भी ज्यादा के रिटर्न्स पास्ट में देखने को मिले हैं, उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में हमें 18% के रिटर्न्स यहां से मिल जाएंगे, ज्यादा भी देखने 18 मैंने वाकई बहुत कम लेकर चला हूं। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की बात करते हैं, यहां नॉर्मली यहां तो यही नॉर्मली रिटर्न्स रहते हैं 13-14, 14.5 बस, यहां आप मानकर चलिए 13% के रिटर्न्स आपको यहां से मिल सकते हैं। मिड कैप में आ जाता हूं, देखिए मिड कैप में
19 से 20% तक के रिटर्न हमें देखने को मिलते हैं। हम उम्मीद करते हैं फ्यूचर में हमें लगभग 16% के रिटर्न्स यहां से मिल सकते हैं। सेम फ्लेक्सी कैप में भी हम यही उम्मीद करेंगे कि 16% के आसपास के रिटर्न्स हमें देखने को मिल सकते हैं। रिटर्न्स ऐसे लेकर चल रहा हूं जिनकी उम्मीद आपको ज्यादा रहेगी, पॉसिबिलिटीज ज्यादा रहेगी, इतने रिटर्न्स कम से कम इन फंड से हमें लॉन्ग टाइम में देखने को मिल जाए। अब देखिए, अगर आप इस तरह से अपनी प्लानिंग लेकर चलेंगे, ये रिटर्न्स आपके सामने है, अगर आप इसके हिसाब से चलेंगे, ड्यूरेशन हमारी 12 साल है, टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा हो जाएगा कितना, 4,000, 4,000, 8,000 और 3,000, 11,000 और 4,000 यहां पर टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा 15,000 रुपए का यहां हो जाएगा। तो 15,000 रुपए महीना के जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से कितना पैसा हमारा बन जाएगा और फिर उससे हम पेंशन किस तरह से ले सकते हैं उसको समझते हैं। इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा ये सब, इसको रब कर देते हैं और आगे की प्लानिंग अपनी देखते हैं। देखिए, प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है लाइफ में। अगर प्लानिंग हमारी सही होगी तो बिल्कुल जो हमारे फ्यूचर के जो हमारे गोल्स होंगे, फाइनेंशियल गोल्स होंगे, उनको हम इजीली अचीव कर पाएंगे। लेकिन अगर हमारी प्लानिंग सही नहीं होगी, हम प्लानिंग ही नहीं करेंगे, तो फिर आने वाले समय में काफी दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ सकता है। इसलिए प्लानिंग जरूर बनाइए और अच्छी प्लानिंग बनाइए तो बिल्कुल ही आपके जो आगे की लाइफ है वो और भी ज्यादा आसान हो जाएगी। बाकी फ्यूचर तो किसी के हाथ में नहीं है, क्या हो सकता है आगे। चलिए फिलहाल मैं आपको बताता हूं कि आपका जो 15,000 रुपए महीना का टोटल इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से लगभग कितना पैसा यहां आपका बन सकता है। देखिए, मंथली इन्वेस्टमेंट हमारा 15,000 का हुआ था, 12 साल की कैलकुलेशन है। मैं मानकर चलता हूं कि लगभग हमें 15 से 16% का रिटर्न भी अगर मिल जाता है तो हमारे पैसे की जो वैल्यू है, जो हमने SIP के थ्रू भी समझाया आपको, वो लगभग 65 लाख रुपए आपकी बन जाएगी, 65 लाख। अब इस 65 लाख रुपए से आपको पेंशन लेनी है। देखिए, इस 65 लाख रुपए को हम इन्वेस्ट करेंगे SWP प्लान में, और SWP प्लान अपने आप में कोई प्लान नहीं है, SWP एक स्कीम है। आप कोई भी प्लान को SWP प्लान में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस 65 लाख रुपए को हम इन्वेस्ट करेंगे हाइब्रिड फंड्स में। अब हाइब्रिड फंड में भी 2-3 कैटेगरी हमें देखने को मिलती है। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड आ जाता है, अग्रेसिव हाइब्रिड फंड आ जाता है, बैलेंस एडवांटेज फंड आ जाता है। सबसे कम रिस्क वाला जो आपको फंड देखने को मिलेगा वो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड देखने को मिलेगा। वहां जो रिटर्न है 11 से 12% मिलता है। अगर आप बैलेंस एडवांटेज फंड में जाएंगे वहां रिटर्न आपको 15 के आसपास मिलेगा, और अगर आप अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में जाएंगे तो वहां रिटर्न्स और भी ज्यादा मिलेंगे। अगर आप इन 65 लाख रुपए को थोड़ा मिक्सअप करके भी इन्वेस्ट करेंगे तो आप मानकर चलिए लगभग 12% के रिटर्न भी आपको मिलते हैं फ्यूचर में। देखिए, ज्यादा ही मिलने के चांसेस, मैं बहुत कम यहां लेकर चल रहा हूं। 65 लाख का इन्वेस्टमेंट है, विड्रॉल पर मंथ यहाँ 50,000 रुपए का मैंने रख दिया है, जैसा कि आपका सवाल था, रिटर्न 12% के रखे हैं। और अगर आप अगले 20 साल के लिए इसको करते हैं, देखिए मैं मानकर चलता हूं कि आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड और बैलेंस एडवांटेज फंड में मिक्सअप करके इस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे फ्यूचर में, जो कि हमारे पेंशन लेने के लिए आप इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको जो रिटर्न्स हैं मैं मानकर चलता हूं एग्जाम्पल के लिए 12% भी मिल जाते हैं। 12 मंथली विड्रॉल हम रख लेते हैं यहां कितना, 50,000 रुपए पर मंथ, और जो ड्यूरेशन है हमारी वो हम रख लेते हैं 20 इयर्स। अब देखिए, जो आप यहां विड्रॉल करेंगे पैसा वो करेंगे लगभग 1,20,00,000 रुपए का, उसके बाद भी आपको एक फाइनल अमाउंट मिलेगा, मतलब जो आपका पैसा है वो भी ग्रो होगा, और वो कितना मिलेगा, वो मिलेगा 1.66 करोड़। ये अमाउंट आपको उसके बाद भी यहां से मिलेगा। तो दोस्तों, इस तरह से कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग की जा सकती है। बाकी देखिए, अगर आप इस टॉपिक पर इस जगह आकर कंफ्यूज हैं कि ठीक है मेरे पास 65 लाख रुपए बन गए, अब मुझे कौन से प्लान में इन्वेस्ट करने हैं, उसके लिए वैसे मैंने आपको बता दिया है कि आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है, बैलेंस एडवांटेज फंड है, आपके एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स हैं, काफी सारे फंड्स के ऑप्शन आपको मिलेंगे। लेकिन अभी आपके पास बहुत टाइम है, अभी आप नॉर्मली अपनी SIP शुरू कीजिए, उसके बाद आप और हम तो बने ही रहेंगे साथ में, आगे की प्लानिंग आपको धीरे धीरे समझाते रहेंगे। बाकी अभी के लिए आप अगर इस तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 50,000 रुपए महीना की आमदनी यहां से जनरेट की जा सकती है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप लोग मुझे दोबारा कमेंट कर सकते हैं, रिप्लाई मैं आपको जरूर करूंगा। बाकी दोस्तों ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।